हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज दोस्तों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजीटी ऐप पर, तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमजीटी ऐप जरूर इंस्टॉल करें। चलिए लास्ट डे का क्विकली रिवीजन करेंगे। 26 जुलाई 2022 का क्विक रिवीजन करते हैं। 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और अभी हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। अक्षय मुंद्रा को वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ बना दिया गया है और वहीं स्विस ओपन 2022 जीत लिया है कैस्पर रूड ने। कौशिक राजशेखर भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं, इनको विश्व वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से यानी कि ग्लोबल एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। फेंसिंग बोले तो तलवारबाजी। चाइना में अभी हाल ही में चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। चाइना अपना तियांगोंग नाम से स्पेस स्टेशन बना रहा है। सीबीडीटी के द्वारा 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया, इनकम टैक्स डे। सीबीडीटी बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और नवीन गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में बदलाव कर भारतीय तिरंगे को दिन और रात दोनों समय यानी 24/7 आवर्स पर इसको फहराने की अनुमति दे दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में अपने संगठन में टीमों में वीवा एंगेज ऐप की घोषणा करी हुई है। ये तो थे कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस, और अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस के जिनका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है उनमें, हाल ही में कहां पर भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया? तो कर्नाटक में दोस्तों भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, हिस्ट्री मेड इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक इन बेंगलुरु। तो इंडिया के बेंगलुरु में, कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु राजधानी है पता होगा आपको, तो वहां पर भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया है। ये जयनगर जनरल अस्पताल में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत पब्लिक किया गया है। ब्रेन हेल्थ क्लिनिक ब्रेन की हेल्थ के लिए शुरू किया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने इसका उद्घाटन किया है। कर्नाटक आया है, कर्नाटक के बारे में जानेंगे। आप देख पाओगे मैप में यहाँ पर है दोस्तों कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी होती है बेंगलुरु। इसी को ही दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, आईटी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसके अलावा भारत का बगीचा भी कहा जाता है। बसवराज एस बोम्मई बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, थावरचंद गहलोत जी यहाँ के गवर्नर हैं, ऋतुराज अवस्थी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर है? यहाँ पर आपको याद रखना है यक्षगान जो होता है ये लोक नृत्य होता है, बहुत ही फेमस होता है। अगला, हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी को सम्मानित किया गया है भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवणे एक्स यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ऑनर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडो यूएस टाइज। तो इन्हें अभी हाल ही में यूएसआई एसपीएफ के द्वारा सम्मानित किया गया है, इंडिया आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी को। ठीक है, ये फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ रहे हैं। अभी के टाइम पर कौन है? अभी है मनोज पांडे जी, जनरल मनोज पांडे। ओके, तो फिलहाल जनरल नरवणे जी को इनको सम्मानित किया गया है यूएसआई एसपीएफ के द्वारा, जिसका मतलब होता है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में किसने संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड के गठन की घोषणा करी? तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने त्रिसेवा थिएटर कमांड के गठन की मंजूरी दी है, इसकी घोषणा करी है। अब देखो ये काफी दिनों से इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि एक त्रिसेवा थिएटर कमांड होना चाहिए, जो संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड हो। तो अब ये फाइनली लॉन्च हो चुका है, इसकी मतलब घोषणा कर दी है इन्होंने। इंडिया इज टू सेटअप ज्वाइंट थिएटर कमांड फॉर ट्राई सर्विसेज, राजनाथ सिंह। तो इन्होंने कहा है कि अब थिएटर कमांड सिस्टम जो होगा, इसके पीछे का मकसद ये होगा कि जो भी सशस्त्र बल हैं उनकी तीनों शाखाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्डअप किया जा सके। ठीक है, नौसेना, भारतीय सेना और वायुसेना, इनके लिए अलग अलग जो कमांड थे उनको एक ही साथ मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, थिएटर कमांड लागू करने वाला पहला देश अगर पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऐसे बहुत सारे देश हैं यहाँ पर थिएटर कमांड सिस्टम लागू है, रूस, चाइना हुआ, ये सब में भी लागू है। तो भारत के पीछे रहे, भारत ने भी संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड के गठन की घोषणा कर दी है। अगला, हाल ही में कहाँ पर मंकी पॉक्स वैक्सीन एमवेनेक्स को स्वीकृति मिली?
तो एम वेनेक्स को मंजूरी मिल गई है दोस्तों यूरोप में। यूरोप एक ऐसा पहला महाद्वीप है होगा जहां पर मंकी पॉक्स की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है एम वेनेक्स को। देखिए एक्चुअली में एम वेनेक्स जो है ये चिकन पॉक्स की वो थी, यानी कि चेचक रोग की वैक्सीन थी, लेकिन अभी यहाँ पर भी ये काम कर रही है कुछ थोड़ा बहुत, तो इस वजह से वहां पर मंकी पॉक्स डिसीजेस के लिए भी इसको मंजूरी दे दी गई है। अब जब तक मंकी पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक के लिए फिलहाल इसको इससे वैक्सीनेट किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा एम वेनेक्स जो है ये चेचक की वैक्सीन हुआ करती थी, मंकी पॉक्स की वैक्सीन नहीं है, अभी मंकी पॉक्स की वैक्सीन नहीं बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। त्रिनेत्र बैच है ग्रुप डी का दोस्तों, इसको आप ले जा सकते हैं, मात्र 399 में है, MGT ऐप पर मिल जाएगा। इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केनरा बैंक ने किस नाम से एक मोबाइल बैंकिंग सुपर ऐप लॉन्च किया? तो केनरा बैंक ने दोस्तों केनरा AI1 नाम से अपना सुपर बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। सुपर बैंकिंग ऐप क्या होता है? सुपर बैंकिंग ऐप मतलब कि उसमें बैंकिंग से जुड़ी सारी की सारी सेवाएं उसमें होंगी, हर प्रकार की सेवाएं वो बैंकिंग वाली जो होगी वो इसमें होगी। तो केनरा बैंक ने इसे लॉन्च किया है, यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, इट्स केनरा बैंक लॉन्च इट्स मोबाइल ऐप नेम केनरा AI1। ओके, तो इसने लॉन्च किया हुआ है। अब देखो केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और लिंगम वेंकट प्रभाकर इसके CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अगला, हाल ही में टूर डी फ्रांस 2022 का अवार्ड किसने जीता? तो इसको जीत लिया दोस्तों जोनास विंगगार्ड ने। देखिए अभी ये साइकिलिंग रेस है, एक बात तो ये जान लो ये साइकिलिंग का रेस होता है, ठीक है ना। तो अभी ये टूर डी फ्रांस इसी के तहत एक टूर्नामेंट होता है और उसको जीत लिया है जोनास विंगगार्ड ने, ठीक है ना। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, साइकिलिंग की प्रतियोगिता होती है यानी कि साइकिल रेस होती है। अभी जो फॉर्मूला 1 रेस होती है उसमें ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, उनकी रेसेस को ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रैंड प्रिक्स नहीं है, ये टूर डी फ्रांस नाम से है, फ्रांस में आयोजित होता है और अभी ये शुरू हुआ था डेनमार्क में लेकिन पेरिस में जाकर के ये समाप्त हुआ ये रेस जो है, ठीक है, साइकिल रेस प्रतियोगिता है। तो इन्होंने ताजेद पोगाकर को पीछे करके जीत लिया है जोनास विंगगार्ड ने। अगला, BCCI द्वारा अंपायरों के लिए बनाई गई नई कैटेगरी A+ में कितने अंपायर्स को शामिल किया गया? तो BCCI ने यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने अंपायर्स के लिए एक नई कैटेगरी बनाई हुई है A+ कैटेगरी, और उस A+ कैटेगरी में 10 अंपायर्स को लिस्ट किया गया है यानी कि इनको शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे BCCI इंट्रोड्यूसेस A+ कैटेगरी फॉर अंपायर्स। अब इस A+ कैटेगरी में जो अंपायर्स होंगे उनकी सैलरी भी ज्यादा होगी, ठीक है। A+ और A कैटेगरी के अंपायर को प्रथम श्रेणी के खेल के लिए प्रतिदिन 40,000 रुपए दिए जाते हैं, आगे आने वाले टाइम पर A+ को और ज्यादा हो सकता है दिया जाए। बी और सी कैटेगरी में 30,000 रुपए दिए जाते हैं प्रतिदिन, ये प्रतिदिन के मैच की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में ICC की एलीट पैनल में नितिन मेनन को भी शामिल किया ही गया था, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो उनको भी BCCI की नई कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो BCCI द्वारा अंपायर्स के लिए A+ नाम से एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसे अंपायर जो तगड़े अंपायर हैं, ठीक है। BCCI के बारे में अगर बात करें तो 1928 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम ही इसका हेडक्वार्टर है। सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं जैसा, और अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताएंगे राजीव शुक्ला। अगला, K2 को फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी? तो पहली बांग्लादेशी बन गई हैं वासिफा नाजरीन K2 को। K2 दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसको फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बन गई हैं वासिफा नाजरीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, वासिफा नाजरीन बिकम फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्केल वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक K2। K2 है कहाँ पर? K2 है दोस्तों लद्दाख में काराकोरम रेंज में। आपको मैंने बताया था दर्रे वाली वीडियो में कि जब से दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुआ है तो कुछ दर्रे भी वहां पे चले गए हैं लद्दाख में, तो लद्दाख में ही है काराकोरम और वहीं पर है जोजिला, तो काराकोरम श्रेणी पर ही दोस्तों वहीं पर K2 है। K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची ये चोटी है। ओके, तो 8611 मीटर की इसकी ऊंचाई है और अगर टॉप पर बात किया जाए तो 8848.86 मीटर वाला जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है।
फिलहाल ये तो हुई बांग्लादेश की सबसे पहली महिला। अगर पूछा जाए समीना बेग, ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की पूछा जाए तो समीना बेग का नाम बताएंगे। ईरान की पूछा जाए पहली ईरानी महिला कौन बनी, तो आप बताएंगे अफसाने हेसामी फेर्ड। ठीक है, तो ईरान की, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की हो गई। आप मुझे कमेंट करके बताओ भारत की पहली महिला कौन थी K2 पर चढ़ाई करने वाले, थोड़ा सा गूगल कर सकते हो। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस पुस्तक का विमोचन किया, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दोस्तों मूड्स मूवमेंट एंड मेमोरीज ए विजुअल हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट सिटीजन इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्रीज, ये तीन बुक्स का अभी हाल ही में विमोचन किया है। उपरोक्त तो सभी आपका हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। एक्चुअली में दोस्तों प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की विदाई हो रही है और इनकी विदाई को लेकर के ये पुस्तकें लॉन्च की गई हैं जो कि इन्हीं से रिलेटेड हैं। मूड्स मूवमेंट एंड मेमोरीज में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या हुआ है कि 1950 से लेकर के 2017 तक जितने भी रहे हैं प्रेसिडेंट भारत के उनके बारे में बात करी गई है। फर्स्ट सिटीजन पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टर्म, तो इसमें क्या हुआ है कि रामनाथ कोविंद जी के टर्म के दौरान जो भी पिक्टोरियल इमेजेस हैं, जो पिक्टोरियल रिकॉर्ड है यानी कि फोटोज वगैरह, वो सब इसमें कलेक्शन है। इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्रीज, इसमें दोस्तों फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड है ये बुक। तो ये तीन पुस्तकें जो हैं ये लॉन्च करी गई अनुराग ठाकुर जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, नए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू, ये सभी यहाँ पर उपस्थित रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें लिखी भी गई हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अभी द मैकमोहन लाइन पुस्तक आई थी जे जे सिंह की और कनेक्टिंग थ्रू कल्चर आई थी, डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने इसे लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की ज्वालामुखी सकुरा जमी में विस्फोट हुआ, सकुरा जमी दोस्तों ये है जापान में, जापान की एक वोल्केनो है और इसमें इरप्शन हुआ है, एक विस्फोट हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे सकुरा जमी वोल्केनो इरप्शन, हाउ मेनी एक्टिव वोल्केनोज आर देयर इन जापान, इसको इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ज्वालामुखी जो है ये धरती का, पृथ्वी का वाल्व, सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल जापान के सुरक्षा वाल्व में एक प्रकार से हो गया है विस्फोट। लेवल 5 अलर्ट की घोषणा इससे पहले इसमें यहाँ पर की गई थी जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के द्वारा और फिलहाल अब एरप्शन हो चुका है। जापान में अगर एक्टिव वोल्केनो की अगर बात करें तो माउंट सिराने है, माउंट हाकोन है, माउंट ताइसेत्सु है और है माउंट एसो, ये सभी एक्टिव वोल्केनो है यानी सक्रिय ज्वालामुखियां। जापान के बारे में अगर बात करेंगे तो आप मैप में देखोगे, जैसे यहाँ पर अपना प्यारा भारत है तो यहाँ से आप आओगे चाइना वगैरह को पार करते हुए, इधर नॉर्थ कोरिया, इधर साउथ कोरिया को पार करते हुए ये जो कंट्री मिलेगी ना, ये है जापान। जापान की कैपिटल होती है टोक्यो, जहाँ पर अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था, हालांकि ये हुआ 2021 में लेकिन इसको कहेंगे हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020, कोविड की वजह से एक साल बढ़ाया गया। ये यहाँ की करेंसी है, डायट यहाँ की संसद का नाम है और उगते हुए सूर्य के देश के नाम के रूप में जाना जाता है। फुमियो किशिदा यहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की अभी हाल ही में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, तो शिंजो आबे का भी नाम आपको याद रखना है। कारण यह है दोस्तों कि शिंजो आबे भारत में ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए थे, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके थे और अभी जापान का ही इनका सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया हाल फिलहाल। क्लियर, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जेसी डेनियल पुरस्कार किस राज्य के फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, तो आपने बताया केरला। नीरज चोपड़ा से पहले किस एकमात्र भारतीय ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीता था, तो वो थी अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल और नीरज चोपड़ा ने जीत लिया सिल्वर मेडल। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया, अच्छे से आंसर किया, लेकिन जो टॉप कमेंटेटर है जिन्होंने जेन्युइन आंसर किया सही के साथ साथ एक्स्ट्रा डिटेल फैक्ट के साथ, उनके नाम यहाँ पर लिखे गए। देखिए आपको दोनों क्वेश्चन में डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना है, किसी एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आप दूसरे क्वेश्चन को कम लाइन लिखोगे तो आपका नाम नहीं आएगा। दोनों क्वेश्चन का नाम, दोनों क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी लिखो। तो उसमें है स्वर्णेश्वर कुमार, महेंद्र हेम्ब्रोम, शुभांगी त्रिवेदी, न्यू विलेजेस, राहुल कुमार, कविता सियोकन और रितु सिंह, तो ये वो लोग हैं जिन्हें टॉप कमेंटेटर ऑफ द डे का रूप में चुना गया है।
आज का क्वेश्चन आपके लिए है, खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे ज्यादा मेडल किस राज्य ने जीता हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात की जा रही है, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है। दोनों क्वेश्चन के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल आप बता सकते हैं, एमजीटी ऐप पर जाकर के इसकी क्विज सॉल्व कर सकते हैं, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं टेलीग्राम पर भी वनलाइनर भेजा जाता है, तो आप टेलीग्राम से वनलाइनर भी डाउनलोड कर लिया करो। टेलीग्राम पर जाओ, एमजीटी एजुकेशन लिख करके सर्च करो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिलती रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।